الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم Welcome to Gauhar Publishers Our slogan is Redefining the Geography of Education Through Digital Resources for Conceptual Learning मैं हूं फैसल शहजाद खान गौहर इस्लामियात बुक 3 के इस वीडियो लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद प्यारे बच्चों उम्मीद है सब मज़े में होंगे खूब खूब पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी बातों को ना सिर्फ अपना रहे होंगे बल्कि दूसरों को बता भी रहे होंगे हमारी किताब के बाब हफ्तम का उन्वान है इस्लामी तालीमात और असर हाजिर के तकाजे और इसका सबक है जिसका नाम है सफाई और तंदुरुस्ती के उसूल हमने पिछले वीडियो लेक्चर में तमाम उसूल और सफाई और तंदुरुस्ती के बारे में बहुत ज़बरदस्त किस्म की मालूमात हासिल की सुनी सीखी और अमल करने का इरादा भी किया आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस सबक की मशक हल करेंगे तो आइए बढ़ते हैं मशक की जानिब प्यारे बच्चों ये तो आपको याद ही होगा कि आपने मशक की सवालात में क्या करना है आपने सवाल सुनना है वीडियो को पॉज करना है रोकना है और उसके बाद आपने खुद जवाब दोहराना है फिर मेरे जवाब के साथ अपने जवाब को मिलाना है टैली करना है तो आइए पढ़ते हैं सवाल नंबर एक दुरुस्त लफ्ज लगाकर खाली जगह पुर करें अलिफ सेहत तो तंदुरुस्ती अल्लाह ताला की बहुत बड़ी डैश है जी हाँ नेमत है बे सेहत और सफाई का डैश का साथ है बिल्कुल दुरुस्त चोली दामन का साथ है जीम अल्लाह ताला डैश रहने वालों को पसंद फरमाता है बिल्कुल दुरुस्त साफ सुथरा रहने वालों को दाल वर्जिश को अपना डैश बनाना चाहिए बिल्कुल दुरुस्त मामूल हे सेहतमंद कौमें ही हमेशा डैश करती हैं जी हाँ तरक्की करती हैं सवाल नंबर दो मुंदरजा ज़ेल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें अलिफ हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों पर अमल करने से क्या फ़ायदा होता है जवाब हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों पर अमल करने से हम सेहतमंद रहेंगे सेहतमंद कौमें ही हमेशा तरक्की करती हैं बे सफाई निस्फ ईमान है पर नोट लिखें जवाब इस्लाम में सफाई को बहुत अहमियत हासिल है अल्लाह ताला साफ सुथरा रहने वालों को पसंद फरमाता है इसलिए हमें हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए जीम सेहत और सफाई का चोली दामन का साथ है बयान करें जवाब सेहत और तंदुरुस्ती और सफाई का चोली दामन का साथ है सफाई के बगैर सेहत हासिल नहीं की जा सकती कुरान और सुन्नत में सफाई की बहुत ज़्यादा अहमियत बयान हुई है दाल क्या खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए जवाब जी हाँ खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए प्यारे बच्चों सवाल नंबर तीन में तफसीली जवाब तहरीर करने हैं तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर तमाम तफसीली सवालात के जवाब आ रहे होंगे आपने वहाँ से इनको नोट कर लेना है और याद करना है सवाल नंबर चार कालम अलिफ को कालम बे से मिलाएं कालम अलिफ की पहली लाइन को कालम बे की पाँचवीं लाइन से मिलाएंगे अल्लाह ताला साफ सुथरा रहने वालों को पसंद फरमाता है कालम अलिफ की दूसरी लाइन को कालम बे की तीसरी लाइन से मिलाएंगे पेट को तीन हिस्सों में तकसीम करना चाहिए कालम अलिफ की तीसरी लाइन को कालम बे की चौथी लाइन से मिलाएंगे यानी इस्लाम दीने फितरत है कालम अलिफ की चौथी लाइन को कालम बे की पहली लाइन से मिलाएंगे रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना चाहिए कालम अलिफ की पांचवी लाइन को कालम बे की दूसरी लाइन से मिलाएंगे खाना भूख रख कर खाना चाहिए
जी बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने अपने सबक की मुकम्मल मश्क हल की है। आपने इस सबक की मश्क को भी अच्छे तरीके से दोहराना है, याद करना है और साथ ही साथ सफाई और सेहतमंदी के उसूलों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है, यानी अमल करना है। उम्मीद है आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा, वालिदैन का एहतराम कीजिएगा, अपने असातिज़ा कराम का ज़रूर बिल्ज़रूर कहना मानिएगा, सफाई का खूब खूब एहतमाम कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।